हेलो गाइस, आज हम मेरी नाइट सीजन 2 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग हम देखते हैं रैग और फापुटा आ रहे थे रस्ते से। रैग के हाथ में फापुटा का जो पार्ट होता है, हाथ या कान जो भी था जो उसने उखाड़ के दिया था वो होता है, और फापुटा उसके सर पर बैठी होती है और फापुटा कर रही होती है मेरे खुजली हो रही है। उसके जो गाल था जो जख्म जहाँ से उसने पार्ट उखाड़ा था उसमें खुजली हो रही थी और वो उसके सर पर बैठे बैठे उसके चारों तरफ मक्खियाँ बिनक रही थी, उन मक्खियों को खा रही थी वो। तभी कहता है रैग, हे फापुटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा जो गाँव है वो ठीक है ना। तभी वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रैग, फापुटा इमोर्टल है, फापुटा अमर है, ये कुछ नहीं होगा। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, ये तो एक एज पार्ट था, यानी किनारे जैसे पाल नाखून इनको एज पार्ट कहा जाता है। तो कहता है रैग, मुझे तो नहीं लगता ये कोई एज पार्ट था, ये तो पूरा बड़ा पूरा हाथ जैसा लग रहा है मुझे तो। रैग, क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? बता ऑफकोर्स मैं आपकी तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तभी कहते फापुटा कहती है, क्या तुम मुझे पैक करोगे या तुम मुझे सिलाओगे जैसे तुम पहले करते थे? तो कहता है कानों के पास मेरे, वो कहता है वो अपना हाथ बढ़ाता है उसके कानों के पास सिलाता है उसे और वो समझ आ जाता है। कहता है तुम मेरे, मैं तुम्हारे गाँव को तो नहीं छू रहा, बताना मुझे। फापुटा कहती है थोड़ा और तेज तेज से करो, थोड़ा जल्दी करो, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर वो ऊपर उसके सर के ऊपर लेट जाती है और कहते मेरे छाती पे भी करो खुजली, मुझे खुजली हो रही है, मुझे ऐसे चलाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो भी कहता है रे फापुटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो फापुटा चौंक जाती है एकदम, क्योंकि वहाँ पर कोई आ जाता है, वहाँ पर जो उसका दोस्त रोबोट दोस्त होता है कौन वो आ जाता है, वो उसे कुछ उनकी लैंग्वेज में बताता है जा रहा फिर वो तो फिर दो। और कहता है कि फापुटा कहती है क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग? वो कहता है वो बताता है कि तुम्हारे खून की स्मेल से यहाँ के जितने भी क्रीचर्स हैं वो बेकाबू हो गए हैं, वो इसके तुम्हारे सेंट के पीछा कर रहे हैं और सारे के सारे क्रीचर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तभी फापुटा कहती है हम ये गूंग पर छोड़े हैं सासो, मुझे तुम्हारी जो पेंटिंग है तुम जो सिला रहे हैं वो ज़्यादा फ्रेश लग रहा है इस टाइम, चले जाते हैं वहाँ से। और रोबोट उसको संभालता है, उनका थोड़ा क्रीचरों का ध्यान बढ़ाता है कि इतने तक इतने तरह फापुटा का थोड़ा समय मिल जाएगा अंदर जाने के। तो फिर हमें ये बार दिखाया जाता है ना रिको और सारे लोग सारे क्रीचर्स होलोस खड़े होते हैं और रिको बाहर की तरफ देखते रैग उसकी तरफ आ रहा होता है, उसके हाथ में पार्ट होता है, कहता है रैग तुम आ गए? रिको पूछती है रैग मुझे बहुत अच्छा लगा, पर पहले हमें यहाँ से अंदर जाना होगा क्योंकि इस डॉक्टर के ब्लड के पीछे बहुत सारे क्रीचर्स बीस्ट यहाँ के अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिको पीछे लगा के देखती है तो उसे वहाँ पर फापुटा खड़ी दिखाई देती है, वो बिल्कुल अपनी आँखें उसकी पीली पीली होती है, बिल्कुल गुस्से में दिखाई देती है। रिको चौंक जाती है तो फापुटा है, फापुटा भी उसको देख रही होती है वहीं से बिल्कुल ध्यान से। अभी फापुटा की नज़र उसकी विसल पर होती है जो कि वो वहाँ से उसकी केव से चुरा के इस गाँव में लेके आई थी, उसका प्लान था ये। और वो कह रही होती है कि तुम अब बहुत सुंदर लग रही हो पहले से। तो ये फिर एपिसोड का नाम है द रिटर्न। फिर हमें गांव के अंदर दिखाया जाता है, सभी लोग वो पार्ट देखकर कह रहे थे तो प्रिंसेस का पार्ट है, ये तो प्रिंसेस हमारी रानी का पार्ट है, ये तो राजकुमारी का पार्ट है। और मैंने तो सुना, रैको कहती है मैंने तो सुना था ये तो इमोर्टल है, बट ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ये वही तो नहीं है ये उसका। फिर आगे जो पूरे गाँव में जो बैलेंसिंग के क्रिएचर्स होते हैं वो काबू हो जाते हैं, सारे इधर उधर मंडराने लगते हैं, कहते हैं बैलेंसिंग को क्या हुआ अचानक, मैंने पहले देखा ये बहुत ही अलग लग रहा है। तभी इबारू के साथ तो कोई बताता है कि इबारू क्राई कर रहा है पूरा का पूरा, यानी इबारू बेचैन हो गया है इस पार्ट के यहाँ आ जाने से। और तभी काजल भी कहता है काजल ने भी पहली बार देखा है ये। और तभी वो कहती है रिको ये सब कुछ इस पार्ट की वजह से हुआ, फापुटा के पार्ट की वजह से ये सारा का सारा गाँव अट्रैक्ट हो रहा है इसके पीछे। तभी कहता है क्या करना चाहिए मुझे आखिर, रिको तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए मुझे? तो कहता है कि हमें दाना नाची है उसके पास ये पार्ट लेके जाना चाहिए जल्दी। तभी रिको कहती है हाँ यही ठीक रहेगा, तुमको वहीं लेके जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे दोस्त को रखा हुआ है, उसने वही कुछ बता सकता है अगर तुम उसको ये पार्ट दिखाओगे तो। कहता अगर वो टूट गया, अगर ये सब कुछ यहाँ वो जैसे बड़बड़ा रही थी, अगर वो सब कुछ टूट गया तो क्या होगा, तुम्हारे दोस्त का क्या होगा? बस ऐसे ही उसको कुछ अंदाजा था कि क्या होने वाला है यहाँ पर अब। तो वो रैग कहता है तो फिर वो रैग पूछती आखिरकार तुम ये पार्ट कैसे लाने में कामयाब रहे, कैसे पॉसिबल रहा ऐसा? तो कहता है रैग बताता है कि फापुटा ने बस मुझे एक पुराना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहा और वो कही उसने कहा कि मैं कुछ भी ऑफर करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम वो प्रॉमिस पूरा करोगे। तो रैग कहती है इस प्रकार के प्रॉमिस वो पूरा करवाना चाहती है तुमसे वादा। तो कहती है रैग बताता है कि वो मुझसे इस गांव को डिस्ट्रॉय करवाना चाहती है या मुझसे मदद मांगना चाहती है इस गांव को डिस्ट्रॉय करवाने में। फापुटा कहती है मैं तुमसे जो मांगना चाहती हूँ मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर तुम कर सकते हो और तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम वो करोगे नहीं तो बस कि मैं अपनी मदर के अंदर जा सकूँ, जितनी मदद कर दो मेरी बाकी मैं देख लूँगी। और कहता है कि तुमने पहले जब आए थे यहाँ पर तो तुमने कहा था कि जो तुम्हारे हाथ के अंदर से निकलता है वो एबीस के जो नियम कानून है उनको रीराइट कर सकता है। तो तुमने कहा था जब तो तुमने मना कर दिया था कि मैं अब यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अभी कुछ ढूंढने जाना अपने हाकू को, यानी उसकी जो प्रेसिस चीज़ है कुछ वो ढूंढ रहा था रैग। जब तो बोली कि तुमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम मुझे लेके जाओगे, रैग उसे कहाँ पर लेके जाऊँगा? मेरी मदर के पास। और कहाँ? तो मेरी मदर के पास है, मुझे अंदर लेके जाने के लिए राजी हो गए थे। तभी फापुटा उसको बाइट कर रही होती है उसके चेहरे पे, रैग कह रहा होता है तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों बाइट कर रही हो मेरे चेहरे? वैसे ही उसको बाइट कर रही होती है, कहती है रैग तुमने कहा था रीराइट, तुम इसको दोबारा लिख सकते हो यहाँ के कानूनों को, जो कानून मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं वहाँ पर उन कानूनों को तुम बदल सकते हो, यानी ये सब कुछ डिस्ट्रॉयर है इसके हाथ की जो पावर, तो कानून को इस बेबीज के जो कानून से नियम है जिसके कारण क्रीचर्स उस घर के अंदर नहीं जा सकते, जो इबारू उसके अंदर नहीं जा सकते उन कानून को बदल सकते, यानी उसमें एक कॉल कर सकते हैं। तो एक सीन दिखाया जाता है रिको का, रिको कह रिको पे आता है इंसिग्रेटर, ये इंसिग्रेटर के बारे में बात कर रही है, रैग के इतनी पावरफुल है कि वो नेदर वर्ल्ड यानी एबिस के जो नियम कानून उनको बदल सकती है। नानाची ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है। तभी वे को बहुत अच्छा लग रहा है वे को, पर ये जो तुमने पहना हुआ है ना सर पर, ये कंट्रोल कुछ कंक्लूजन कुछ सोचती है, विचार करती है और कहती है देखने दो
तो तुम वाजू क्या तुम अगर वर्टिकल हो तो तुमने ये जाना जानते हुए भी गोल्डन सिटी में आया कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वो वाजू का कहता है हाँ या ये तो मुझे पता था कि मैं एक बार नीचे गई तो वापस नहीं आ सकते क्योंकि अपने लिए होमलैंड जैसे कि ये लोग जितने भी लोग इन्होंने अपना घर पाया जिन्होंने अपना घर खोया था ये अपने घर को ढूंढने के लिए निकले थे और जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था जिनको पैनिश कर दिया गया था और मुझे मैं यहाँ पर आके मुझे अपनी वैल्यू का पता चला और मुझे अपने फेट मुझे अपनी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिला। मैं हर दिन चैलेंज कर इस पेविस को चैलेंज करने का सपना देखती हूँ और अपनी और नई चीज़ खोजने की कोशिश करती हूँ पर क्या करूँ मेरा सपना सपना ही रह जाता है। मैं हर बारी घबरा जाती हूँ एबिस को दोबारा टक्कर देने की और चैलेंज करने के लिए और वहाँ पे वाजिका भी यही सोच रहा होता है। तभी इरा पूछता है रिको से रिको तुम ठीक हो तुम अभी भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तभी वाजिका शॉक हो जाता है कहता है मैं तो अचरित हूँ तुमने नोटिस किया 150 साल हो गए इस गाँव को बने अभी हमें पता चलता है इस गाँव को बने 150 ईयर्स हो गए यानी वाजिका की टीम 150 सालों से यहाँ पर है। आज तक किसी भी गाँव वाले ने इस कंक्लूजन पर नहीं पहुँचा कि मैं कोई भी और कुछ चाहता हूँ और आगे निकलना चाहता हूँ तो क्या करूँ। वो जैसे और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं मैं भी इस प्लेस पे फंसा हुआ हूँ मैं भी नहीं जा सकता। हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो तुम चाहो वही पॉसिबल वही हो जाए तो इसलिए मैं यहाँ पर फंसा हूँ। तभी फिर रैग पूछता है रिको अब क्या हुआ तुम किस दुविधा में फंसी हुई रिको बताओ क्या प्रॉब्लम है। तभी रिको कुछ सोच रहे थे मन मन में कि फाउक्टर के पास विश ग्रांटिंग पावर है यानी 3 एग फाउक्टर के पास है वो भी क्रेडल ऑफ डिजायर के और उनके पास उस उन अंडों में ऐसी पावर है कि जो कि विश पूरी कर सकते हैं। और वाजुक्यान मुझे इतना यकीन है ने यह प्लान किया है कि तुम चाहते हो मैं वो पावर यूज करके इस गांव को दोबारा एडवेंचर करने के लिए काबिल बनाऊं। और यह सब सुनकर चौंक जाते कि रिको ने कैसे कंक्लूजन पर पहुंचा कि वाजुक्यान का प्लान है इस तरह का। तभी वाजुक्यान भी कहता है हाँ तुम इस तरह तुम कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैं सब कुछ ये करवा रहा हूँ। तभी रिको कहती है ऐसा पहले भी कुछ हुआ है मेरे साथ तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने सब कुछ करने का प्रयास किया है आगे बढ़ने के लिए। तभी वाजुक्यान कहता है इम्प्रेसिव तुमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया ऐसा क्या है रिको रैग तुम्हें तुम्हारा टाइम चुनने का हाँ तुम क्या चुनना चाहोगे। वाजिकान कभी भी कुछ को ऐसी बात हो गई है कि क्या होने वाला है कि उसने जब हाथ मंगाया तो जब उसको पता चल गया था कि क्या होगा तो वहाँ पे मॉन्स्टर आता है जो जीरो में होता है जो उस क्रीचर जेलीफिश क्रीचर से लड़ होता है वो तो शायद जब था वो तो हार गया था पर ये वापस कैसे आया ये हमें पता नहीं पर ये शायद एबिस ने ही दोबारा इसको हील किया है नहीं इसने इस गाँव ने दोबारा हील कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो भी कुछ पावरफुल आई है जो भी एक गाँव से जुड़ा हुआ है ये मॉन्स्टर ब्लैक और रिको देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो जीरो में है काजा बताता है जीरो में कहता है ये मॉन्स्टर तभी कहता है ये वाजिकान को ये टाइम बाय कर रहा था ये कुछ हमारा टाइम बर्बाद कर रहा था ये कि मॉन्स्टर आ जाए जब तक ये बातों में जलाई रखा था। तभी बैक बताती है ये मॉन्स्टर जो है ये प्रिंसेस के हाथ के पीछे इस पार्ट के पीछे पड़ा हुआ है तुम बताओ। तभी वेक जो वाजिकान होता है वो वेको को अपने हाथों में लगड़कर पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे साथ आ रही हो मेरे साथ चलो और उसको वहाँ से लेके जाता है। रैग उस मॉन्स्टर को दूसरी तरफ लेके जाता है अपने हाथ में उस पार्ट को लेकर ही ये तो कहता है रिको तुम किसी दूसरी दिशा में जाओ किसी सेफ दिशा में और कहता है माँ तुम रिको का ध्यान रखना और वो माँ कहती है माँ और रैग दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है हाँ ठीक है ये मेरी तरफ आ रहा है और मैं इसको इसका ध्यान बढ़ा सकता हूँ जब तक रिको दूसरी तरफ चली जाएगी और ये इतना फास्ट नहीं है मैं इसको आउटरन कर सकता हूँ मैं इसको इससे डोज कर सकता हूँ और मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तभी उस मॉन्स्टर के नीचे कुछ बैलेंसिंग का सिलाई में जो फीचर्स होते हुए आ जाते हैं बहुत सारे। तब वाजिकान कहता है आखिरकार ये स्टार्ट हो गया सब इस चीज़ की शुरुआत हो गई। तभी वैको पूछती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। तभी कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने ग्लूमी फेज उसमें चली जाती हो डिस्पेयर में चली जाती हो इसलिए तुम यहीं से देखोगी सब कुछ। तभी वैको कहती है मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ वाजिकान क्या तुम कंफर्म कर सकते हो जो ये फीचर है ये बड़ी सी चीज़ है इसका नाम उस आदमी से सेम कैसे लग रहा है जो ड्रेस ऑफ पीस था जो मुझे स्लेव बना के देता था आदमी उसका नाम भी जुड़े हुए था वो हमारे फर्स्ट एपिसोड में दिखाया इस पार्ट को यहाँ से उसको डिवार करेंगे उसको यहाँ से गांव से बाहर निकालेंगे या इसको डिवार कर लेंगे इसको खत्म कर देंगे और ये रैग और रिको और ये तुम्हारे साथ कनेक्टेड है इस गाँव के साथ कनेक्टेड है पीछे तभी जो बैलेंसिंग आ रही होती है वो बैलेंसिंग और वो लोग एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं। तभी रैग कहता है ये क्या हो रहा है और ये बैलेंसिंग इसके साथ क्या कर रही है। तभी रिको कहती है शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पूरे हैं ये कुछ करने का प्रयास कर रही है। तभी वहाँ भी देख रहे सारे क्रीचर वहाँ देख रहे होते हैं सारे जो एंट्रेंस होते हैं उस एंट्रेंस पे वो क्रीचर बैलेंसिंग की जो स्लाइम स्टफ होता है वो भगा कर बंद कर देता है वहाँ के सारे गेट। वाजिकान कहता है अच्छा ये सभी जो बच्चे हैं यहाँ पर इनको बाहर जाने के रास्ते को बंद कर रहा है और सारे के सारे रास्तों को बंद कर रहा है और एक नई सेफ ले लेता है इवॉल्व होकर एक दो पैर दो हाथ वाला एक फीचर बन जाता है। तभी रैग की तरफ को कुछ भगाता है वो स्लाइमी स्टफ सा रैग उन सबको डोज करता है और वो जो स्लाइमी स्टफ से जितने भी दरवाजे जितने भी गुफा सी केव सी बनी हुई थी उसमें गांव के अंदर उन सबको बंद कर देता है और तभी वॉल की जितनी भी दीवार पर जहाँ रैग दौड़ रहा होता है उन सबको वहाँ पर अब कोई रास्ता नहीं बचा होता रिको भी देखते थे रैग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है भागने के लिए अब क्या करेगा रैग। तभी रैग भी कह रहा था मैं क्या करूँ अब मेरे पास जो इम्बोडीमेंट वो वैल्यू है फाफुटा की इसको मुझे सेफ रखना होगा बैलेंसिंग रोकने के लिए अगर मैं इसको कुछ थोड़ा मोटा पार्ट दे दूँ तो बैलेंसिंग से स्टॉप हो सकती है। वेको वाजिकान कह रहता है अब रैग सोचने पे मजबूर हो गया उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी वेको चिल्लाती है वहाँ से बॉय ये जो पार्ट है ये तुम्हें देने की जरूरत नहीं है इससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा बैलेंसिंग को तुम्हें कुछ और करना होगा ये क्रिएशन मुझसे जुड़ी हुई है ये प्रिंसेस को स्टॉप करना चाहता है और उसने तुम तीनों को भी इसको डेंजर समझ लिया इस गांव ने तो ये तुम तीनों को भी रोकना चाह रही है तुम्हें भागना होगा यहाँ से भागो रन। वाजिकान कहता है पहली बार देखा मैंने तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए वेको क्या तुम प्रैक्टिस कर रही थी क्या अपनी वॉइस को। वो कहता है मैंने बहुत प्रैक्टिस की मैं बहुत इसी समय के लिए कि तुम से बचा सकूँ और लोगों को।
तभी कहती है, तुमने मुझे भागने के लिए तो कहा, पर मैं कहाँ भागूं? डैड कहता है उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं, तो उसके सारे रास्ते तो इसने क्रीचर ने बंद कर दिए हैं। तभी वो क्रीचर एक जो स्लाइमी स्टफ की चादर सी बनाकर रैक के ऊपर भगाता है और पूरे ग्राउंड को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके रैक ऊपर से ऊपर उस चादर को तो ब्लॉक कर लेता है और ऊपर दीवार पर चिपक जाता है जाकर, और देखता है तो उसने पूरे जो ग्राउंड होता है उसको कवर कर लिया होता है। और वो दूर ये तो कहता है बहुत बुरा लग रहा है देखने में, और उधर जानवी को और बाकी क्रीचर होते हैं वे भी सारे इसके ब्लैक बैलेंसिंग से गिर जाते हैं। तो क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे बताऊं इन विलेजर्स को, कैसे बचाऊं? इसने तो विलेजर्स के बारे में नहीं सोचा इस टीचर ने, ये मुझे खतरा समझ रहा था, पर इनको क्यों मार रहा है? जहां उसने हाथ पकड़ा हुआ था ऊपर एक चट्टान पे, उसके हाथ में वो क्रीच पॉकुटा का हैंड भी था, तो वो जो बैलेंसिंग है उस हाथ को छीन रही होती है और रैक को भी अपनी तरफ खींच रही होती है पकड़कर। और तभी वो कहता है मुझे करना ही होगा, मुझे आखिरकार करना ही